Hello everyone, today we'll continue our third session on second law of thermodynamics. तो इस session में हम लोग mainly numerical problem को solve करेंगे. तो मैंने कुछ questions आपके लिए board पे लिख दिया है, इसे आप लोग solve करें. इसके बाद मैं इसका discussion करूंगा और इसके अलावे मैं कुछ और छोटी छोटी चीजों पे focus करूंगा, जैसे कि PMM2 क्या है, perpetual motion मशीन ऑफ सेकेंड काइंड किसे कहते हैं, और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कि थर्मल इफिशियंसी और कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, या क्या ये दोनों सिमिलर चीज है. तो अगर सिमिलैरिटी है तो उस पर भी फोकस करेंगे, और अगर डिफरेंस है तो उस पर भी फोकस करेंगे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है. ओके, तो हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं ना. तो हमारे पास पांच क्वेश्चन है अलग अलग एग्जामिनेशंस के, जो कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं. लास्ट सेशन में हमने इस क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे थे, जो कि इसरो VSSC में 2017 में पूछा गया था फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट. ये क्वेश्चन को आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो आप वेट करिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तीन न्यूमेरिकल हैं. तो पहले हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर इसे इरेज कर देंगे, और इसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम नीचे से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं कि आप इसका आंसर जरूर करेंगे. केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विथ, तो मैंने आपको बताया था कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है वो किसको डील करता है ना. तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से किसका कॉन्सेप्ट आया था, हीट इंजन का. और माय डियर फ्रेंड, आप जानते हैं हीट इंजन क्या है, किसको किसमें कन्वर्ट करता है ना. तो ऑप्शंस में हम लोग गौर करते हैं ना. ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो कि IOCL रिफाइनरी में काफी बार पूछा गया है. पहला ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ हीट, दूसरा ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ हीट इन टू वर्क. ओके, एंड थर्ड ऑप्शन वी हैव कंजर्वेशन ऑफ वर्क, और आखिरी हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ वर्क इनटू हीट. तो जैसा कि आपको ध्यान में है कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से हीट इंजन का कॉन्सेप्ट आया था, और हीट इंजन हीट को किसी सोर्स से एक्सट्रैक्ट करता है, उस हीट एज ए इनपुट लेता है और उसको पार्शियली कन्वर्ट करता है, किसमें, वर्क में. तो कैन आई से द ऑप्शन बी विल बी द मोर एप्रोप्रिएट, कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क. आई होप ये क्लियर है. चलिए तो अभी से हम लोग मिटा देते हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया. और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि यूनिवर्सल क्वेश्चन कहा जाता है ना? आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, कुछ क्वेश्चंस को मैं यूनिवर्सल कैटेगरी में रखता हूं. यूनिवर्सल कैटेगरी का मतलब है कि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप 12th का बोर्ड दे रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग के एंट्रेंस दे रहे हो. तो ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, इवन केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से किसका डिफिनेशन मिलता है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट और वर्क. माय डियर फ्रेंड, मैंने अभी आपको इसका जो आंसर है वो है एक्चुअल में एंट्रोपी. हालांकि एंट्रोपी मैंने बताया नहीं है, बट बेस्ड अपॉन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ना, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है. कई बार हमें आंसर नहीं पता है, लेकिन जो रेस्ट आंसर होते हैं वो मुझे पता होता है. तो जैसा कि मैं जानता हूं कि इंथैल्पी क्या है ना, इंथैल्पी एच बराबर यू प्लस पीवी, और इसका कॉन्सेप्ट मॉलियर नामक साइंटिस्ट ने लाया था. कब, जब हम लोग डील कर रहे थे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. दैट मींस वी आर डीलिंग विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम. तो आई कैन से इंथैल्पी हमारा ऑप्शन नहीं होगा ना. दूसरा, मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर होगा. जस्ट देखिए कि हम लोग ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं, यह टेक्निक भी आपको सीखना पड़ेगा ना. हीट और वर्क ना, तो हीट और वर्क का जो कॉन्सेप्ट है और इंटरनल एनर्जी, तीनों के बीच जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं आप फर्स्ट लॉ में पढ़ते हैं. तो मेरे हिसाब से ये दोनों भी आंसर नहीं होगा. तो एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है, वो है एंट्रोपी ना, जिसका कॉन्सेप्ट क्लॉसिस नामक साइंटिस्ट ने दिया था. और हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इंट्रोपी क्या है. ऐसे में बता दूं, इंट्रोपी इज नथिंग बट द मेजर ऑफ रेंडमनेस ऑफ सिस्टम ना. रेंडमनेस के टर्म में बोल सकते हैं कि किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में रेंडमनेस क्या हो रहा है, उसको अगर जो प्रॉपर्टी मेजर करे उसे हम इंट्रोपी कहते हैं. या एक और टर्मोलॉजी है, क्वालिटी ऑफ एनर्जी के टर्म में कहा जाता है कि इंट्रोपी इज नथिंग बट द मेजर ऑफ
डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी ऑफ एनर्जी, किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में जो क्वालिटी में गिरावट होती है, जो क्वालिटी डिग्रेड करता है, उसको अगर कोई प्रॉपर्टी उस सिस्टम की मेजर करती है, वो हमारा इंट्रोपी है। तो सेकेंड लॉ से मेनली इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आया है, ये आप लोग याद रखिएगा। दिस इज यूनिवर्सल क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये RRV, SSC, JEE, इसके अलावे भी बहुत सारे एग्जामों में ये दोनों क्वेश्चन यूनिवर्सल क्वेश्चन थे, पूछे गए थे। चलिए तो हम लोग इसको भी रब कर देते हैं। नाउ वी कंटिन्यू ऑन अनदर न्यूमेरिकल। अब मैं ऐसे न्यूमेरिकल की ओर ले जाऊंगा जिसे मैंने पहले उस टाइप का डिस्कशन मैंने कर दिया है। देखता हूं आप लोग कितने देर में सॉल्व करते हैं। कोशिश करिए इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते ही आपके दिमाग में, माइंड में इसका आंसर आ जाए। अपने मेंटल एबिलिटी को थोड़ा डेवलप करिए और थोड़ा सा परसेंटेज को सीखिए। परसेंटेज जो हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रतिशत, वो अगर कॉन्सेप्ट जिस लड़के का क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्या है क्वेश्चन देखते हैं। ए रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग एट द रेट ऑफ 100 kW हैज एन इफिशियंसी ऑफ 20%, राइट। द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द सोर्स एंड टू द सिंक इन kW वुड बी ना। तो यहां पे कहना है कि हमारे पास एक हीट इंजन है, ठीक है ना। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं चूंकि आप इनिशियल स्टेप में है, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सब हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। हम लोग जो है सिंपली यहां से फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है हैज एन इफिशियंसी ऑफ हाउ मच, 20% ना। तो अगर ये इसका इफिशियंसी 20%, इसका मतलब मैंने समझाया था कि अगर 100 किलो जूल इधर आएगा तो कितना ये कन्वर्ट करेगा वर्क में, 20, यही था ना इफिशियंसी। और कितना रिजेक्ट कर देगा, 80। लेकिन यहां पे हीट इंजन वर्किंग एट द रेट ऑफ 100 kW, मतलब इसका वर्क डन कितना है। अगर आप इसको समझेंगे ना कि वर्क डन कितना है, तो वर्क डन जो है ये 20 नहीं है, ये कितना है, 100 kW। तो आप बेसिक इंटरपोलेशन आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 100 में 20 मिल रहा है ना, 20 किलो जूल वर्क मिल रहा है, इनपुट कितना था 100 में, अभी आपका वर्क आउटपुट 100 हो गया है, तो ये कितना होगा। बेसिक है, इसको रिलेट करिए 20 × 5, ये 5 गुना बढ़ रहा है, तो सब चीज अपने आप 5 गुना हो जाएगा। तो ये इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे अगर इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 20 × 5, तो ये भी हमारा 500 हो जाएगा। और अगर ये 500 है और 100 वर्क हो रहा है, तो डेफिनेटली कितना हीट रिजेक्ट होगा, 400। चलिए ये तो शॉर्टकट मेथड था जो आप समझ सकते हैं। अगर आपका मेंटल एबिलिटी डेवलप है तो आप कर सकते हैं, या इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस मैं आपके अंदर से वो डर निकाल देना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। समझिए, अगर ये लेट सपोज 20% है, मैं मान लेता हूं एक्स हीट एनर्जी, यूजुअली एक्स से बहुत हम लोग फेमिलियर होते हैं, बचपन से ही पढ़ते हैं ना, जो नोन है उसे एक्स ले लो। तो अगर एक्स हमने लिया, इसका 20% कन्वर्ट होगा, तो आई कैन से 0.2x ना, और 0.2x है तो एक्स एक यहां कोफिशियंट है, 0.2 इधर गया, ये कितना हो जाएगा भैया, 0.8x, क्योंकि ये तो सिस्टम है। और आप देख रहे हैं 0.2x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 ना, 100 kW। तो यहां से एक्स निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 100/0.2, तो आप देखेंगे दैट इज 500। चलिए तो x का मान निकल गया 500, ठीक है, ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 0.8 × x, दैट इज नथिंग बट द 400। आई होप व्हाट विल बी द आंसर आप गेस कर सकते हैं, 400 एंड 500 हीट एडेड होगा और 400 हीट रिजेक्ट होगा। आई होप ये क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखेंगे इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, हम लोग और इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चंस है, हाँ, देख सकते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना, एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोड्यूसेस 10 MW ऑफ पावर ना। ये क्या कर रहा है, पावर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, व्हाट इज पावर, पावर इज नथिंग बट द वर्क डन पर सेकेंड ना। कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं ना, शक्ति, पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज योर पावर।
तो ये क्या है समझ सकते हैं, मेगावाट है मतलब मेगा जूल पर सेकंड, यूनिट वाइज से हम समझ सकते हैं, चलिए इजी है। एंड कंज्यूमिंग 19 टू 10 के पावर 6 किलो जूल पर आवर। देखिए यहां पे किलो मेगावाट है, इसे हम लोग किलो जूल पर सेकंड में कर सकते हैं, ये किलो जूल पर आवर है, बस यहां पे यूनिट का चेंजेस है, जो लड़का इसको पकड़ लेगा सवाल बन जाएगा। नाउ यहां पे है ऑफ फ्यूल एनर्जी ना कंज्यूमिंग, तो ये हमारा फ्यूल एनर्जी है, कंज्यूम हो रहा है, दैट मींस एज ए इनपुट है, और ये वर्क डन हमको मिल गया है। पूछ रहा है कि द हीट रिजेक्टेड बाय द पावर प्लांट, चलिए तो सिंपल है, मैंने आपको बताया था आपका पावर प्लांट जो है वो एक तरह का एक्सटर्नल हीट इंजन का एग्जांपल है, तो मान लेते हैं दिस इज आवर पावर प्लांट ना, ब्रैकेट में लिख लीजिए एज ए हीट इंजन, क्या है एज ए हीट इंजन है। चलिए तो पावर प्लांट में, चलिए ये हमारा सोर्स है जो कि बॉयलर होता है ना, यहां पे हमारा फ्यूल है, चलिए बर्न हो रहा है, कितना मिल रहा है एनर्जी 90 × 10⁶ किलो जूल पर आवर, ओके दैट इज नथिंग बट द Q1, और हमें वर्क कितना मिल रहा है ना 10 मेगावाट, तो इसको हम लोग ये काम कर सकते हैं 10 मेगावाट लिख सकते हैं, और कुछ हिस्सा ये क्या हो रहा है रिजेक्ट हो जा रहा है ना, तो यही पूछ रहा है कि कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है प्लांट का। चलिए बहुत आसान है, अब आप समझ सकते हैं, बस एक ही चीज इसमें करना है, क्या करना है कि अगर इसको सिस्टम को देखें, कुछ नहीं करना है, ये दिया हुआ है टोटल एनर्जी इनपुट बराबर एनर्जी आउटपुट, फर्स्ट लॉ लगा देंगे ना, तो इनपुट तो टोटल एनर्जी इनपुट हो जाएगा, एनर्जी इनपुट बराबर एनर्जी आउटपुट, एनर्जी इनपुट कितना है, चलिए इसको हमको किलो जूल पर सेकंड में बदलना होगा क्योंकि आवर है, क्योंकि हमारा यहां पे आंसर क्या है मेगावाट है, ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग करेंगे तो 90 है, ओके ठीक है, किलो जूल है, हम लोग मेगा जूल कर लेते हैं क्योंकि मेगावाट मेगावाट है और आंसर भी मेगावाट में हमारा ऑप्शन है, तो हम देख सकते हैं, तो अगर यहां से 3 ले लेंगे तो 90,000 अगर हम लोग देखें ना, और 3 उधर चला गया तो ये हो गया मेगा जूल, ओके पर आवर हमको सेकेंड चाहिए, यहां लिख सकते हैं कितना 3600 सेकेंड, राइट। अच्छा इसके बाद एनर्जी आउटपुट कितना है 10, और चलिए मान लेते हैं ये क्या है एक्स है, चलिए ना ये भी हमारा आंसर किसमें आएगा मेगावाट में, देखिए डायमेंशनली हमारा करेक्ट होना चाहिए, ये भी मेगावाट है और ये भी हमारा जो है वो मेगावाट आ गया है, तो सबसे पहले कैंसिल कर देंगे ना, जैसा कि मुझे दिख रहा है ना ये पहले जो है 9 से कट जाएगा, 9 × 4 = 36 ना, ये हो गया 100, ठीक है इसको हम लोग कर देंगे आया 25, तो हम कह सकते हैं दिस अमाउंट इज नथिंग बट द 25 किलोवाट। बस आप समझिए माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस क्या किया है सिर्फ किलो जूल पर आवर में देके आपको डेविएट किया है, राइट, और ये बहुत ही अच्छे एग्जाम का प्रश्न है, मैं आपको एग्जाम का नाम लास्ट में बताऊंगा, जान के आपको आश्चर्य होगा, तो 25 किलोवाट एज ए इनपुट है, ठीक है 10 किलोवाट एज ए वर्क प्रोड्यूस किया, तो आप बताइए माय डियर फ्रेंड कितना ये रिजेक्ट करेगा, व्हाट विल बी योर आंसर, 15 किलोवाट योर आंसर विल बी सी, ओके बताइए क्या क्वेश्चन टफ है, नहीं मैंने इसे क्वेश्चन को टफ नहीं मानता, इसमें सिर्फ मेंटल एबिलिटी है, यूनिट का कन्वर्जन है ना, बच्चे सिर्फ घबरा जाते हैं, और आपको जान के खुशी होगी यह क्वेश्चन जो है भारत के सबसे टफेस्ट एग्जाम जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होता है, इंजीनियरिंग सर्विस IES जो कि UPSC द्वारा लिया जाता है, वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी एग्जाम का प्रश्न आप लीजिए आपसे बन जाएगा, मैंने जानबूझ के पहले नहीं बताया क्योंकि अगर मैं एग्जाम का नाम बता तो शायद डर से आप नहीं बनता, लेकिन अब आप समझ सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है ना? एक ही कंडीशन है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमने इसे लास्ट में कल आप लोगों के लिए इसे छोड़ दिया था सॉल्व करने के लिए ना, चलिए तो आखिरी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, चलिए
ओके, यह क्वेश्चन जो है वो इसरो का है, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए सबसे बेस्ट जॉब है ना, टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। चलिए, तो क्या क्वेश्चन है? ए रेफ्रिजरेशन यूनिट हैज सीओपी ऑफ 4। जैसे ही रेफ्रिजरेशन यूनिट है, आपके दिमाग में तुरंत ये ब्लॉक डायग्राम आ जाना चाहिए। दिस इज आवर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, ये हमारा ना सिंक है और ये हमारा सोर्स है, जो कि एक तरह से इन्वायरमेंट को हमने लिया था, राइट। चलिए, एरो ऊपर की ओर होगा और इस सिस्टम में कुछ एनर्जी इनपुट होगा। कैसे एनर्जी इनपुट होगा? एज ए वर्क इनपुट। दिस इज आवर सिस्टम ना, मैंने बताया था दिस इज Q2, दिस इज Q1 एंड दिस इज नथिंग बट द योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट ना। चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं कि सीओपी इसका कितना दिया हुआ है? 4। चलिए, इसका सीओपी क्या होगा? आप जानते हैं सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज नथिंग बट द डिजायर इफेक्ट Q2 बटा एनर्जी इनपुट, आई कैन से वर्क इनपुट, दैट इज इक्वल्स टू 4। चलिए, इतना तो हम समझ गए, इतना हमारे पास है। आप इसका डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज दे लें। चलिए, ये ब्लॉक डायग्राम आपका क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड एक्सट्रैक्ट्स 10 किलो जूल, एक्सट्रैक्ट मतलब खींचना, तो ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है एक्सट्रैक्ट कर रहा है हीट को, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, Q1 या Q2? एक्सट्रैक्शन क्या हो रहा है? Q2। इसका मान कितना दिया हुआ है माय डियर फ्रेंड? इट्स 10 किलो जूल, 10 किलो जूल आ रहा है, राइट एंड हीट। अच्छा, चलिए आगे अगर देखें, लिखा हुआ भी फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर, यही हमारा कोल्ड रिजर्वायर हुआ ना, सिंक विल बी योर कोल्ड रिजर्वायर। ओके, नाउ अब इफ मशीन वर्क एज ए हीट पंप, अगर यह मशीन जो है हीट पंप की तरह काम करेगा, राइट, तो हीट पंप की तरह काम करेगा, तो ये जो मेरा डिजायर इफेक्ट ना होगे, बस हमारा Q1 हो जाएगा, बाकी सब चीज हमारा सेम रहेगा और सीओपी एक बढ़ जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स ना एज ए हीट पंप हाउ मच हीट विल डिलीवर टू द एनवायरमेंट। अगर हीट पंप की तरह यह काम कर रहा है, इमेजिन करिए ये हीट पंप की तरह काम कर रहा है, तो ये कितना इन्वायरमेंट में हीट को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, दैट मीन्स Q1 पूछ रहा है। माय डियर फ्रेंड, यहां से अगर हम देखेंगे ना, तो हमारा दिया हुआ है क्या, Q2 इज गिवन 10 बाय वर्क इनपुट बराबर 4। यहां से आप देखेंगे वर्क इनपुट कितना निकल गया, 4। अगर वर्क इनपुट 10 by 4, that will be 2.5. तो ये 10 है और वर्क इनपुट कितना हो गया, 2.5 किलो वाट। चलिए, अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सिस्टम में दो चीज इन हो रहा है, दिस प्लस दिस बराबर दिस, ये आउट हो रहा है, अगेन एनर्जी इनपुट बराबर एनर्जी आउटपुट। इनपुट कितना हुआ, 10 किलो जूल, 2.5 किलो जूल, दिस विल बी 12.5 और बाहर कितना जा रहा है वही होगा, व्हाट विल बी री आंसर, 12.5। ओके, तो हमने देखा कि हमने 4-5 क्वेश्चन डिस्कशन किया, आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने कुछ आपको अप्रोच भी बताया कैसे सॉल्व करने हैं, कई बार हम ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं, कई बार ब्लॉक डायग्राम करते हैं, और अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड, आप ये सब क्वेश्चंस को मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में ना, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा और कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी रखनी होगी। चलिए, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल सेशन को स्टॉप करते हैं। हमारे पास दो टॉपिक है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ के लिए बहुत जरूरी है, कि थर्मल इफिशियंसी और सीओपी में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों अलग टर्म है या सिमिलर टर्म है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड देन PMM 2। ओके, तो पहले हम लोग जो है थर्मल इफिशियंसी पे डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज आवर थर्मल इफिशियंसी। चलिए, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, थर्मल इफिशियंसी जो है वो हीट इंजन के लिए डिफाइन है, और सीओपी किसके लिए डिफाइन था, जो हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट पे वर्क करता है, जो कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर है। ओके, तो अब अगर थोड़ा सा देखिए, दोनों रिलेटेड है। सबसे पहले देखेंगे कि इंटरव्यू में पूछता क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है पहला कि दोनों में डिफरेंस बताइए, अगर आप डिफरेंस बता देंगे तो आपको कहेगा नो बोथ आर सेम। यह क्वेश्चन बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है,
ये बिल्कुल उस सोने के सिक्के जैसा है जो अमिताभ बच्चन के पास होता है, जिसमें चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली बात होती है। तो इसमें अगर आप ये आंसर देंगे तो ये आंसर आपको बता देगा, ये आंसर आप कहेंगे तो डिफरेंट बता देगा। तो एक्चुअली ये दोनों टर्म काफी सिमिलर भी हैं और थोड़े डिफरेंट भी हैं। आपको दोनों एक्सपेक्ट को क्लियरली इंटरव्यूअर के सामने रखना होगा, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आप इसमें फंस जाएंगे। चलिए तो पहले देखेंगे कि ये डिफरेंट कैसे है और सिमिलर कैसे है। ओके चलिए, तो इसके लिए पहले हमें ब्लॉक डायग्राम बताना होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है इंटरव्यू में आपको क्या पूछेगा। चलिए तो अगर हीट इंजन को हम देखते हैं, जरा हीट इंजन को गौर से देखिए। दिस इज आवर ब्लॉक डायग्राम। दैट इज टी वन सोर्स, टी टू सिंक, दिस विल बी आवर सिस्टम, ठीक है। It is work output, that is heat Q1, this is Q2. Work output is nothing but the Q1 minus Q2. चलिए ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैंने क्या बताया था कि हीट इंजन हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, राइट। तो हीट इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपको याद होगा तो हीट इंजन को हम लोग एक नाम हमने दिया था, इट इज वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, जो क्या करता है कंटिन्यूअसली वर्क को प्रोड्यूस करता है। This is the desired effect. ये जो है हमारा, अगर मैंने कहा था आपको कि हीट इंजन का चाहत क्या है, अगर आपको याद होगा, माय डियर फ्रेंड आपको याद होगा ये चाहत बहुत ही प्यारा शब्द है, हीट इंजन की क्या चाहत है। तो मैंने आपको बताया था कि हीट इंजन का चाहत है वर्क आउटपुट देना, ठीक है। तो ये इसके लिए आउटपुट हुआ, ये इसके लिए इनपुट हुआ। तो किसी भी सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं, आउटपुट बाय इनपुट। तो आई कैन से थर्मल इफिशियंसी आल्सो डिजायर्ड आउटपुट बाय एनर्जी इनपुट, दैट इज नथिंग बट द वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई। ओके चलिए ये क्लियर है। तो कंसेप्चुअली जो डिफिनेशन है वो है डिजायर्ड इफेक्ट बाय एनर्जी इनपुट ना, और यही डिफिनेशन आपको याद होगा मैंने बताया था, यही डिफिनेशन हमारा सीओपी का भी है ना, दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट बाय एनर्जी इनपुट। बस अंतर इतना है कि हीट इंजन में डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, वर्क प्रोड्यूस करना, वर्क आउटपुट, और सीओपी में डिजायर इफेक्ट होता है अगर रेफ्रिजरेटर है तो कूलिंग इफेक्ट, और अगर हीट पंप है तो हीटिंग इफेक्ट। तो टेक्निकली बोथ आर सेम, ठीक है, कंसेप्चुअली दोनों एक ही तरह के टर्म है। तो पहला सिमिलैरिटी बाय डिफिनेशन, दूसरी सिमिलैरिटी दोनों अपने अपने डिवाइस का क्या है, परफॉर्मेंस इंडेक्स बताता है, दोनों अपने डिवाइस का परफॉर्मेंस पैरामीटर को बताता है कि कितना अच्छा है ना। अगर मेरे एक हीट इंजन, ये किसका बताता है, ये हीट इंजन का परफॉर्मेंस को बताता है ना, यहां पे डिफरेंस आ जाएगा, ये हीट इंजन के परफॉर्मेंस को बताता है, ये किसके परफॉर्मेंस को बताएगा, रेफ्रिजरेटर को नहीं तो फिर हीट पंप को। तो आई कैन से सिमिलैरिटी तो है, दोनों हमारा परफॉर्मेंस पैरामीटर है एक तरह से। जितना अगर सीओपी ज्यादा होगा इसका मतलब मेरा रेफ्रिजरेटर या हीट पंप उतना अच्छा है ना, जितना हमारा हीट इंजन का इफिशियंसी बेटर होगा ना उतना ही अच्छा है। तो टेक्निकली बोथ आर सेम। देखिए तब कहेंगे सर फिर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है ना, आपके यहां पे एक और प्रश्न उठेगा, जब सर दोनों सिमिलर टर्म है तो साइंटिस्ट लोग अलग अलग टर्मोलॉजी क्यों यूज किया, दोनों को इसलिए देता। यहां पे आपको थोड़ा सा संभल के आंसर देना होगा, कहिएगा कि यस सर कंसेप्चुअली बोथ टर्मोलॉजी आर वेरी सिमिलर बट देयर इज ए डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, दोनों के न्यूमेरिक वैल्यू में ना। आपको मैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से बता चुका हूं कि थर्मल इफिशियंसी किसी भी हीट इंजन का हमेशा एक से छोटा होगा, या दैट मींस लेस देन वन, कभी भी थर्मल इफिशियंसी एक के बराबर या एक से अधिक नहीं हो सकता, दैट मींस 100% या 100% से अधिक इफिशियंट हीट इंजन नहीं हो सकता। लेकिन सीओपी में ऐसा नहीं है, जब आप रेफ्रिजरेशन और हीट पंप का अगर आप सीओपी निकाल लेंगे इसका वैल्यू एक से बड़ा होता है। यही कारण है कि इसके जो परफॉर्मेंस वैल्यूज हैं वह एक से ये हमेशा छोटा होगा और ये मोस्टली एक से बड़ा ही होता है ना। मैथमेटिकली ये छोटा हो सकता है, हम लोग इस पर भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन यह एक से बड़ा ही होगा, तभी सिस्टम हमारा इफिशियंट होगा, ज्यादा अच्छा होगा। ये हो गया डिफरेंस। तो
तो अगर आप डिफरेंट बताएंगे तो इंटरव्यूअर कह देगा कि नहीं दोनों सिमिलर है, और अगर आप सिमिलर बताएंगे कह देगा कि नहीं न्यूमेरिक वैल्यू अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, आपको बहुत स्मार्टली आंसर करना होगा, कहना होगा सर एट सम एक्सटेंट दे आर सिमिलर ऑल्सो, एट सम एक्सटेंट दे आर डिफरेंट ऑल्सो। क्या है, कंसेप्चुअली बोथ आर सेम लेकिन वैल्यूज में दोनों अंतर है। कंसेप्चुअली बोथ आर परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ साइक्लिक डिवाइस, एक हीट इंजन का है, दूसरा हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट के आधार पे कार्य करने वाले हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का है। ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट से रिलेटेड है, इसके डिवाइस का परफॉर्मेंस पैरामीटर बताता है, ये साइक्लिक डिवाइस जो कि क्लॉसियस पे बेस्ड है उसका बताता है। आई होप आपको क्लियर होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और माय डियर फ्रेंड मैं बता दूं, ये बहुत ही माइन्यूट चीज है, बहुत कम बुक में बताया जाता है, बहुत कम लोग इस पे सॉल्व करते हैं, कम लोगों की जानकारी होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। यह क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बार्क वगैरह इंटरव्यू दे चुके हैं, इनपीसीएल में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप जो है अपने आप को तैयार कर सकते हैं इंटरव्यू पे, इसीलिए सेकेंड लॉ बहुत हमारा क्रिटिकल है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा सीओपी पे डिस्कशन करेंगे। जस्ट एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, मैथमेटिकली मैंने आपको बताया था सीओपी ऑफ हीट पंप विल बी 1+ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ना? तो यहां पे आपको समझना होगा कि सीओपी ये है, इसका क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, मैथमेटिक्स क्या वैल्यू सजेस्ट कर सकता है, क्या इसका वैल्यू इंफिनिटी हो सकता है, क्या इसका वैल्यू जीरो हो सकता है ना? तो आपको थोड़ा सा समझना होगा कि कभी भी ना, व्हाट इज सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, हम फॉर्मूला पे नहीं चर्चा करेंगे, हम लोग कूलिंग इफेक्ट बटा वर्क इनपुट पे चर्चा करेंगे। तो कभी भी वर्क इनपुट मेरा जीरो नहीं हो सकता है ना? अगर वर्क इनपुट जीरो होने का मतलब क्या है कि हम कोई एनर्जी सप्लाई नहीं दे रहे और हमको कूलिंग इफेक्ट मिल जाएगा, नहीं, तब तो आप क्या कहते हैं केल्विन प्लांक क्लॉसियस स्टेटमेंट को वायलेट कर रहे हैं, काट कर दे रहे हैं, वैसा कभी संभव नहीं होगा। तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि तभी ये लो से हाई हीट को देगा, तो ये जीरो नहीं हुआ हाँ। तो अगर ये जीरो हो जाए तो व्हाट विल बी द एफिशिएंसी, इसका कॉप क्या होगा, देन सीओपी टेंड्स टू इंफिनिटी, लेकिन ये कभी नहीं होगा, समझने वाली बात है। दैट मींस अगर ये जीरो के बराबर नहीं हुआ तो रेफ्रिजरेटर के सीओपी का कुछ ना कुछ वैल्यूज होगा। तो आई कैन से दैट सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हमेशा जीरो से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा, इस रेंज में कहीं ना कहीं लाई करेगा, बट प्रैक्टिकली में इसका वैल्यू एक से भी बड़ा होता है, लेकिन थ्योरिटिकली ये एक से वैल्यू कम भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही घटिया हमारा रेफ्रिजरेटर होगा, वो पॉसिबल नहीं है, हम लोग उसमें प्रैक्टिकल पे नहीं जाते, यहाँ पे थ्योरिटिकल बात हो रही है। अब दोनों तरफ आप क्या करिए, वन को ऐड कर दीजिए, इनइक्वालिटी है, बहुत आसान इसको लिखा जा सकता है, वन ऑफ सीओपी ऑफ रेफ इन्फिनिटी प्लस वन, इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी बहुत ही बड़ी क्वांटिटी, उसमें एक अगर ऐड कर देंगे अगेन इट विल रिमेन इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। नाउ ये क्या है, दैट इज नथिंग बट द सीओपी ऑफ हीट पंप। तो इधर आपको समझना होगा कि कभी भी हीट पंप का सीओपी ना एक से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा, ये आपको याद रखना है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल। यहाँ पे बिल्कुल थ्योरिटिकल बात हो रही है, यहाँ आपको मैथमेटिक्स को यूज करना है, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल कंडीशंस को फिजिबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण था। अच्छा, दूसरा लॉजिक मैं और देना चाहूंगा कि एचपी बराबर 1+ समथिंग है, तो अगर किसी 1+ समथिंग है और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी भी जीरो, इसका कुछ वैल्यू होगा, अगर फ्रैक्शन भी होगा मोर देन वन होगा, वही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन इनइक्वालिटी। आई होप ये क्लियर हुआ आपका। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पीएमएम टू पे। सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म जानना होगा, पीएमएम टू क्या है। पीएमएम टू का मतलब है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड ना।
चलिए ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा कि परपिचुअल वर्ड का मतलब अगर खोजेंगे तो ये थोड़ा सा जहां तक मुझे ध्यान में है इसका मतलब होता है फिक्सियस या हाइपोथेटिकल या यू कैन से इमेजिनरी। और आपको मैं जहां तक हिंदी में बताऊं बहुत ही प्यारा शब्द है काल्पनिक ना? ऐसे भी टीनेज में बच्चे बहुत कल्पना करते हैं तो इस टर्म से ज्यादा वाकिफ होते हैं। ओके चलिए तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि ना आप देखे होंगे आपको कभी पागल लोगों से भेंट हुई होगी ना, तो जो पागल व्यक्ति होता है अगर कभी आप उससे बात करने की कोशिश करेंगे तो वो उस पागल व्यक्ति की अगर साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि जो पागल व्यक्ति है उसको लगता है कि पूरा दुनिया पागल है और सिर्फ मैं ठीक हूं। ठीक है, ऐसा उसको फील होता है। और हम लोगों को क्या लगता है, अगर हम लोग नॉर्मल इंसान है हम बात करेंगे तो हमको लगता है कि पूरा दुनिया सही है ये पागल है, राइट। तो अगर मैं अभी वहां पे कहूंगा कि देखो सूर्य भगवान अभी हुए हुए अभी दिन है तो पागल लगेगा, ना 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 अभी दिन कहां है, अभी तो रात है, राइट। तो आपके भी फ्रेंड सर्कल में बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका नेचर होता है कि किसी चीज का जस्ट उल्टा ही बात करेंगे, अगर आप कोई अच्छी बात करेंगे उसका रिवर्स ही बात करेंगे, तो उसकी टेंडेंसी होती है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आई होप आप वैसे नहीं हो ना। तो यहां पे पीएमएम जो है आपको समझना होगा कि ये जितने भी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं जस्ट उसका अपोजिट है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि यूनिवर्सली ट्रू है, यूनिवर्सल ट्रू है, सब जगह सही है, लेकिन जो पीएमएम वन है वो फर्स्ट लॉ के जस्ट विपरीत है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से कभी पॉसिबल ही नहीं है, बट इसका कॉन्सेप्ट लाया गया ना, इसको समझना होगा आपको। तो ये समझना होगा कि सबसे पहले पीएमएम वन है हो या पीएमएम टू हो या पीएमएम थ्री हो, यह सारे कैसे मशीन्स हैं, फिक्सियस मशीन्स हैं। ये सारी कैसी बातें करते हैं, कल्पनात्मक बातें करते हैं कि ऐसा हो सकता है, राइट। चलिए अब टू सेकेंड काइंड का मतलब क्या है, या अगर मैं यहां वन लिखूं तो उसका क्या मतलब है, या यहां पर मैं थ्री लिखूं तो इसका क्या मतलब है, राइट। तो अगर मैं पीएमएम वन लिखता हूं उसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो स्टेटमेंट कहता है जस्ट उसका ये अपोज करता है, राइट। पीएमएम टू है जो हमारा सेकेंड लॉ कहता है जस्ट ये उसका ये रिवर्स करता है। सेकेंड लॉ में भी मेनली हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये आपको एग्जाम में ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इसको जानेंगे ये है क्या। तो चलिए सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज केल्विन प्लांक। तो हमारे पास एक सोर्स था, यहां एक हीट इंजन है, ठीक है, अभी हम लोग लेते हैं और ये कह रहा है कि कुछ हीट आया और ये इधर वर्क हुआ, ठीक है, W, ठीक है। तो कहा कि ऐसा बनाना असंभव है, नहीं हम एक रिजर्वायर से डील नहीं कर सकते हैं, राइट। इमेजिन करिए अगर ऐसा हो जाए, ये तो नेचुरल ट्रूथ है, सारी दुनिया जानती है कि नहीं नहीं एक से नहीं डील करेगा, इसमें दो चाहिए ही चाहिए, कभी भी फुल्ली कन्वर्ट नहीं होगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर 100 है तो ये कभी भी 100 नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ 60 होगा या 40 होगा, कुछ भी होगा, ये 100 नहीं होगा, रेस्ट रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं आपको कह दूं को मान लीजिए ना, पूरी दुनिया ये बात कर रही है, नहीं आप इसका उल्टा सोचिए, मान लीजिए कि एक ऐसा डिवाइस है जो 100 किलो जूल हीट को 100 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट कर दे, तो ऐसा जो मशीन होगा ना, ये पूरा पूरी दुनिया के विपरीत है, बिल्कुल पागल व्यक्ति की तरह, तो आई कैन से, तो ऐसे मशीन को हम लोग बोलते हैं पीएमएम टू। टू मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट कर रहा है, उसको काट रहा है। पीएमएम परपिचुअल मोशन मशीन, ऐसे पी से कहना नहीं चाहिए लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं, पगला, जो पगला व्यक्ति जैसे सोचता है दुनिया के जस्ट विपरीत, तो पीएमएम टू भी वैसा ही है ना। कैसा है, इस हीट इंजन का जो कैरेक्टरिस्टिक है जस्ट उसके विपरीत, मतलब हीट इंजन एक से डील नहीं करता, ये कहेगा नहीं एक ही से डील करेगा, अगर ये एक से डील करेगा इसका क्या मतलब हुआ, सारा हीट किस में कन्वर्ट हो गया, सारा वर्क में। तो यहां पे अगर पीएमएम टू है ये कभी संभव है, अगर पीएमएम टू मशीन हो गया तो आप बता सकते हैं इफिशियंसी कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, 100%,
राइट। तो इसीलिए ये पीएमएम टू क्या है, कभी भी संभव नहीं है, तो दिस इज इम्पॉसिबल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, आप एसएससी जेई का क्वेश्चन बनाएंगे या और भी जगह क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मिलेगा। व्हाट इज पीएमएम टू, पहले फुल फॉर्म जानिए, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। सेकेंड मीन्स ये सेकेंड लॉ को वायलेट कर रहा है, मतलब उसको काट रहा है, उसके जस्ट अपोजिट बात कह रहा है, राइट। तो ये एक ऐसा, अच्छा दूसरी बात, ये कैसा मशीन है, फिक्सियस मशीन है या काल्पनिक या हाइपोथेटिकल इमेजरी जो आप कहें। और ये क्या करता है ना, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के जस्ट को ये वायलेट करता है। वायलेट मतलब आप लोग समझते होंगे काटना ना, ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है तो बना पीएमएम टू। इसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट करेगा तो बनेगा पीएमएम वन ना। तो हमेशा याद रखना है पीएमएम वन हो या टू हो, कोई भी सारे फिक्सियस मशीन्स हैं और वो हमेशा थर्मोडायनामिक्स के लॉ को वायलेट करते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, हमारा टॉपिक कवर हो गया है ना। तो लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट कि मैं और वीडियो बना सकूं और जितने भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं सभी को इसका फायदा मिले। और आप अपने दोस्तों के ग्रुप में, जो भी ग्रुप है इसमें, इस वीडियो को शेयर करिए सो दैट सारे जितने भी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं जो कि जेई बनना चाहते हैं या अच्छे यूनिवर्सिटी में पास होना चाहते हैं तो इसको देख के मोटिवेट रहें और कुछ सीख सकें। मेरा यही प्रयास है, मेरा यही इनिशिएटिव है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉलिटेक्निक बच्चों को पढ़ा सकूं और जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं ताकि आप लोग जो है अच्छा बन सकें, अच्छा कर सकें, यही मेरी शुभकामना है। चलिए, थैंक यू सो मच।